न्यूज। उत्तर प्रदेश झांसी के मेडिकल कॉलेज में आज कैंसर डिपार्टमेंट का हमारी टीम ने दौरा किया, जिसमें कैंसर डिपार्टमेंट के डॉक्टर सचिन माहौर और झांसी मेडिकल कॉलेज के CMS भी हैं। उनसे हमारी वार्ता हुई। कैंसर वार्ड को मैंने देखा, सफाई आदि बहुत ही अच्छी दिखी। उसके बाद हमारी वार्ता हुई डॉक्टर सचिन जी से। उन्होंने कैंसर अगर शुरू में ही पता चल जाए तो कैंसर दूर किया जा सकता है, ऐसा डॉक्टर सचिन ने बताया। ब्यूरो चीफ देवेश प्रताप सिंह राठौर, रिपोर्टर झांसी MA अंसारी। डॉक्टर साहब, भारत न्यूज TV में आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय। मैं डॉक्टर सचिन माहौर। जी, रेडियोथेरेपी टेक मैंने किया हुआ है। आई एम रेडियोथेरेपिस्ट। जी, और मैंने यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज में 2007 में कार्यभार ग्रहण किया था। जी, तब से आज तक नहीं करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, अभी ये मैं जिस वार्ड में बैठा हूँ ये कैंसर वाला वार्ड है, ठीक है ना डॉक्टर साहब? तो इसमें आपके कितने पेशेंट हैं अभी अवेलेबल? इस टाइम कितने लोग अभी इस वक्त? पांच पेशेंट हैं। अच्छा, आपके यहाँ कुल कितने बेड हैं? क्या सुविधा है कैंसर के मरीजों के लिए? हमारे यहाँ पे इस विभाग में 12 बेड हैं, और उसके बाद 6 बेड का एक्सटेंशन मेरे पास वार्ड नंबर 4 में है। जी, अभी डॉक्टर साहब कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर जो पेशेंट देख रहे हैं कैंसर के? मैं अभी अकेला। अच्छा, आप अकेली देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी क्या क्या सुविधा है? क्या उनको प्रॉपर मेडिसिन मिल रही है? हाँ, उनकी केयर हो रही है? बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा सबूत है, देखिए कि मैं कंसल्टेंट होने के बाद अभी भी यहीं बैठा हूँ। जी, और मैं नॉर्मली 2 से 3-4 बजे तक यहाँ रहता हूँ, और उसके बाद शाम को 6-6:30 बजे से फिर यहाँ पे आके 7-7:30 तक रहता हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या अभी इसमें कोई आपके मेजर पेशेंट है क्या कैंसर के? मेजर मतलब जिनका अभी कोई ऐसा है कि ज्यादा गंभीर बीमारियों से वो है कैंसर से? ऐसा है कैंसर तो अपने आप में ये गंभीर बीमारी है। जी, हाँ, तो कैंसर का मतलब ही अपने आप में नहीं, कभी कभी ये शुरुआत में बिगिनिंग में होता ना, तो नॉर्मली जी जो झांसी में जो पेशेंट आ रहा है, जी वही पूछा जाए, से मुश्किल से 20% ऐसे होते हैं जो इनिशियली आते हैं। जी, बाकी 80% मरीजों की कैटेगरी वो है, जी, या तो बहुत ज्यादा बढ़ा के लाएंगे, जी, या फिर कहीं बाहर इलाज करा रहे थे, पैसे से खत्म हो गए, शरीर से टूट गए, या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जी, ऐसे मरीज ज्यादा आते हैं। अच्छा डॉक्टर, थैंक यू। बात न्यूज।